हो ना हो इस शुभचिंतक तक होने का रास्ता सेक्रेटरी बबीता से ही होकर गुजरता है, और आज मैं इस राज का पता लगा के ही रहूंगा। यही सोचते हुए दिनेश बबीता का पीछा करना शुरू कर देता है। जैसे ही बबीता होटल से निकलती है, दिनेश उसी के इंतजार में बैठा था। बबीता अपनी कार लेकर निकलती है, वो दिनेश भी उसके पीछे पीछे जाता है। कार सड़कों से होती हुई एक पॉश इलाके जहां थोड़ी दूर पर बंगले बने हुए हैं, उन्हीं बंगलों में से एक बंगले के आगे जाकर बबीता की कार रुक जाती है। दिनेश थोड़ी दूर पर अपनी गाड़ी लगा देता है, उतर कर देखता है, बबीता उस बंगले के अंदर घुस जाती है। वो छुप कर देखता है, अंदर एक सूट पहने, हाथ में ड्रिंक लिए हुए एक आदमी सिप लेते हुए कुछ पढ़ रहा है। दिनेश शिखर को फोन लगाता है और उसे सारी बात बताता है और कहता है, आपके शुभचिंतक का पता चल गया है, तुम सच कह रहे हो, मैं अभी आता हूं। दिनेश शिखर को पता मैसेज करता है। शिखर एक गहरी सांस लेता है कि आखिरकार वो उस आदमी से मिल पाएगा जिसने उसकी पूरी जिंदगी पलट कर रख दी है। शिखर होटल के लॉबी से गुजर ही रहा होता है कि उसकी नजर शीना पर पड़ती है। शीना शिखर का धन्यवाद अदा करने कुछ तोहफा लाई थी, मगर शिखर के पास अभी इन सब के लिए वक्त नहीं था। वो शीना को जैसे ही शुभचिंतक के मिलने की खबर देता है, शीना भी जिद करके उसके साथ चलती है शुभचिंतक का सामना करने। होटल के बाहर शिखर और शीना एक टैक्सी में बैठकर निकल जाते हैं। तभी वहां पहुंची अनन्या उन दोनों को साथ में जाता हुआ देखती है। शिखर और शीना के बीच बढ़ती हुई नजदीकियां अनन्या को बिल्कुल रास नहीं आती। वो मन ही मन सोचती है कि अगर शीना शिखर के करीब आ गई तो उसका पत्ता कट जाएगा। शिखर से उसका मिलना पहले के मुकाबले बहुत कम हो गया था। अनन्या शिखर के करीब आने का कोई तरीका सोचने लगती है। जो दिनेश उसने शिखर को मारने के लिए भेजा था, अनन्या को पता भी नहीं था कि अब वो शिखर के लिए ही काम कर रहा था। शिखर और शीना निकल जाते हैं शुभचिंतक से मिलने। रास्ते भर वो यही सोच रहा था कि वो कौन होगा, क्या वो उससे पहले मिला होगा, शुभचिंतक को कैसे पता चला और 50 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में उसने क्यों डाले, आखिरकार उसमें ऐसा क्या खास था। शिखर का मन सवालों से भर गया था। वो बस इंतजार कर रहा था उस पल का जब वो उसके सामने होगा और इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, तब कहीं जाकर वो चैन की सांस लेगा। शिखर और शीना दिनेश के भेजे हुए पते पर पहुंचते हैं, शुभचिंतक के घर के सामने। तीनों गाड़ी में उसका इंतजार कर रहे हैं। शिखर की उत्सुकता बाहर आ जाती है। वो गाड़ी का शीशा नीचे करता है और दिनेश से कहता है, यही घर था ना जिसमें तुमने शुभचिंतक को जाते हुए देखा था। शिखर के सब्र का बांध अब टूट जाता है। वो सोचता है कि पास आकर भी अगर वो उससे नहीं मिल पाया तो क्या फायदा। वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगता है। शिखर जैसे ही दरवाजा खोलता है, उसे अपने सर पर कुछ महसूस होता है। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ता है। एक आदमी उसके सर पिस्तौल ताने खड़ा था। शीना डर जाती है। वो दिनेश भी अपनी पिस्तौल तक पहुंचने के लिए हाथ बढ़ाता है, पर शिखर आंखों से इशारा करके उसे रोक देता है। तभी पीछे से एक गाड़ी के चलने की आवाज आती है। एक लंबी सी गाड़ी उनकी गाड़ी के ठीक बराबर आकर रुकती है। गाड़ी का शीशा धीरे धीरे नीचे होता है। एक आदमी सूट पहने अंदर बैठा हुआ है। वो अपनी सिगरेट का एक कश लेता है और शिखर से कहता है, ढूंढ ही लिया तुमने मुझे, इतनी भी क्या जल्दी है, मैं खुद तुमसे मिलूंगा, पर आज नहीं कल। और गाड़ी का शीशा ऊपर होने लगता है। शिखर कुछ ना सोचते हुए बोल पड़ता है, मुझे बस इतना जानना है, कल तुम्हें सारे जवाब मिल जाएंगे। ये कहते हुए वो एक कश लेता है। गाड़ी का शीशा बंद हो जाता है और गाड़ी चली जाती है। शिखर को गुस्सा भी आता है और अफसोस भी होता है कि इतना पास आकर भी कुछ हासिल नहीं हुआ, पर तसल्ली इस बात की है कि अब वो जानता है कि शुभचिंतक कौन है और कहां रहता है। जहां उसने इतने दिन इंतजार किया, वहां एक दिन और सही, कल तो वो उससे मिलने ही वाला है, कल उसे सब पता चल जाएगा, उसके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे जिनकी तलाश वो इतने दिनों से कर रहा है, जिसकी वजह से उसे इतना सब देखना पड़ा कि एक दिन उसके पास चाचा की दवाई खरीदने के पैसे भी नहीं थे और अगले ही दिन वो करोड़ों का मालिक था। अब बेसब्री से इंतजार था तो बस कल का। तुम खामखा इतना स्ट्रेस ले रहे हो, आज जब तुम मिलो अपने शुभचिंतक से तो पूछ लेना सब, और उसने तो कहा है ना कि वो तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे देगा। मैं तो कल डर ही गई थी जब उस आदमी ने तुम पर पिस्तौल तान दी थी,
शीना व्यंग्य कसते हुए कहती है, ऐसा लगता है कि तुम मुसीबत में नहीं पड़ते, बल्कि मुसीबत खुद तुम्हें ढूंढती हुई चले आती है। ये सुनकर शिखर भी मुस्कुरा देता है। शिखर का फोन बजता है, वो देखता है कि अनन्या का फोन है। इससे पहले शिखर फोन उठाता, जोसेफ दौड़ता हुआ आता है। सर सर, वो अनन्या मैडम आपको बुला रही है, वो काफी देर से आपको फोन करने की कोशिश कर रही थी पर लगा ही नहीं। शिखर तनाव में आ जाता है कि अब क्या हुआ होगा, और उसे आज तो शुभचिंतक से मिलने भी जाना है। पहले एक बार अनन्या से मिलाता हूं, फिर वहां चला जाऊंगा। पर हुआ क्या, शिखर जोसेफ से पूछता है। वो आप खुद चल के ही देख लीजिए सर, जोसेफ ये कहकर वहां से चला जाता है। शिखर भागते हुए होटल के ही एक कमरे में जाता है जहां अनन्या को लिटाया गया है। शिखर पहुंचता है और देखता है कि अनन्या बिस्तर पर लेटी हुई है और उसके हाथ में प्लास्टर लगा हुआ है। शिखर उसके पास जाता है। क्या हुआ, कैसे हुआ ये, और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हें ही फोन कर रही थी, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी सी चोट है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगी, अनन्या आश्वासन देते हुए बोली। शिखर को पता भी नहीं था कि अनन्या किस हद तक जा सकती है उसके लिए। उसने झूठ मूठ का प्लास्टर लगवाया हुआ था ताकि शिखर की सहानुभूति ले सके और उसे मौका मिल जाए उसके साथ ज्यादा समय बिताने का, और इसी बहाने वो कुछ वक्त के लिए शीना से दूर रहेगा। इतना बड़ा प्लास्टर लगा है और कह रही हो थोड़ी सी चोट है, हुआ कैसे ये? शिखर उसके पास जाकर बैठ जाता है। बस सीढ़ियों से फिसल गई, हल्का सा फ्रैक्चर है, बस डॉक्टर ने कहा है कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, अनन्या कहती है। शिखर को दुख होता है कि वो वहां उस वक्त अनन्या के लिए वहां नहीं था। तुम आप बिस्तर से हिलोगी नहीं, मैं यही रहूंगा, जरूरत पड़े तो याद जरूर करना, तुम्हारा ध्यान रखूंगा और होटल के काम की चिंता तुम मत करो, वो सब मेरा काम है, मैं देख लूंगा। अनन्या यही तो चाहती थी, उसकी तरकीब काम करती दिख रही थी। शिखर कुछ देर अनन्या के पास बैठता है और उसे याद आता है कि उसे शुभचिंतक से मिलने भी जाना है। वो कुर्सी से उठता है। माफ करना, मैं बिल्कुल नहीं चाहता, पर मुझे एक बहुत जरूरी काम से जाना पड़ेगा, मैं वापस आकर मिलता हूँ तुमसे। शिखर जाने लगता है। अनन्या पीछे से कहती है, पर इस वक्त क्या जरूरी काम आ गया तुम्हें? मैं वापस आकर तुम्हें सब बताता हूँ। शिखर ये कहकर वहां से जल्दी में चला जाता है। अनन्या को गुस्सा आता है और वो मन ही मन सोचती है कि वो कुछ भी कर ले, पर ये न जाने किस मिट्टी का बना है, मानता ही नहीं है। गुस्से में ही पास रखे कांच के गिलास को सामने दीवार पर मार देती है। कुछ देर बाद होटल से निकल शिखर और शीना उसी बंगले पर फिर से पहुंचते हैं। इधर उधर देख कर वो गाड़ी से उतरते हैं और सीधा बंगले की तरफ चल देते हैं। वो घंटी बजाते हैं, शिखर दरवाजा खटखटाता है। वो नॉक करने ही वाला होता है कि एक नौकर दरवाजा खोलता है। दोनों बंगले के अंदर पहुंचते हैं। बंगला जितना बाहर से खूबसूरत लगता था, अंदर से उससे कई ज्यादा आलिशान था। शिखर इधर उधर देखता है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। तभी अंदर से नौकर आता है। शिखर नौकर को देखकर उससे पूछता है कि वो जो यहां रहते हैं कहां हैं? उन्हें बुला देंगे, कहिए कि शिखर उनसे मिलना चाहता है। नौकर कहता है, वो तो यहां नहीं है, वो तो यहां से हमेशा के लिए जा चुके हैं, उन्होंने मुझे आपके आने तक यहां रुकने को बोला था, आप लोगों के साथ मैं भी निकल जाऊंगा, ये आदेश दिया गया है मुझे बस। शिखर को उसकी बात पर विश्वास नहीं आता और वो खुद ही जाकर देखना शुरू कर देता है। नौकर उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो मानता नहीं। शिया भी जाके दूसरे कमरों में देखती है लेकिन सब खाली है। शिखर जोर से आवाज देता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। शिखर निराश हो जाता है और वो गुस्से में चिल्लाता है, लेकिन वहां सुनने वाला कोई नहीं था। शिखर की उम्मीदों पर पानी भर चुका था। वो यही सोचता है कि उसकी किस्मत ही खराब है, न जाने उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है। उसे लगा था कि आज शुभ चिंतक की तलाश खत्म हो जाएगी, पर वो सवाल अब भी सवाल ही बने रह जाते हैं। एक आदमी जो उसकी सारी मुसीबतों का हल था, वो वहां से गायब था। शीना उसके पास जाती है, उसके कंधे पर हाथ रख के उसे दिलासा देती है, लेकिन शिखर को आज दिलासे की नहीं जवाबों की जरूरत थी। शिखर को वहां से निराश ही लौटना पड़ता है। शिखर अपने कमरे में निराश बैठा यही सोच रहा है कि क्या उसकी ये तलाश कभी खत्म नहीं होगी, क्या उसे ये कभी पता नहीं चल पाएगा कि ये शुभचिंतक कौन है। कि तभी उसका फोन बजता है, वो देखता है शीना का कॉल है। वो सोचता है, शीना मुझे इस वक्त क्यों फोन कर रही है, सब ठीक तो है? शिखर फोन उठाता है। आवाज से लगता है कि शीना बहुत हड़बड़ाहट में है। तुम जहां भी हो जल्दी नाइट क्लब में आ जाओ अभी, शीना फोन उठाते ही कहती है। शिखर को कुछ समझ नहीं आता। वो शीना को शांत कराते हुए कहता है,
लेकिन हुआ क्या और तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? वो शुभचिंतक जो उस रात गाड़ी में था वो यहाँ है नाइट क्लब में मेरे सामने। मुझे पक्का यकीन है कि ये वही आदमी है। तुम जल्दी यहाँ आ जाओ, शीना कहती है। लेकिन तुम ये इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? शिखर पूछता है। मैं एक बार कोई चेहरा देख लूं तो उसे कभी नहीं भूलती, शीना कहती है। ठीक है, तुम वहीं उसे रोक कर रखो, मैं जितना जल्दी हो सके पहुंचता हूं। शिखर को जैसे एक और मौका मिला था और वो उसे गवाना नहीं चाहता था। वो भागते हुए वहां से निकलता है। अनन्या उसे लॉबी में भागते हुए देखती है और रोक कर पूछती है, शिखर इतनी जल्दी में कहां जा रहे हो? शिखर उससे ये भी नहीं पूछता कि वो कैसी है और भागते हुए ही जवाब देता है, मैं बहुत जल्दी में हूँ, तुमसे आकर मिलता हूँ। शिखर पूरी रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए यही सोच रहा था कि वो कल उससे क्यों नहीं मिला और आज नाइट क्लब में क्या कर रहा है। ये जानते हुए भी कि ये नाइट क्लब उसी का है और उसी के दिए हुए पैसों से खरीदा है, शिखर नाइट क्लब पहुंच जाता है। जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है और भागता हुआ जा ही रहा होता है कि उसकी नजर शीना पर जाती है। शिखर एक पल के लिए सोचता है ये बाहर क्यों खड़ी है और एक पल भी गवाए बिना भाग कर शीना के पास पहुंचता है। क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो और शुभचिंतक वो कहाँ है? तुमने तो कहा था ना वो क्लब में है। शीना उसे रोकती है और कहती है, तुम बोलने दोगे तब ना, मैं तुम्हारा इंतजार ही कर रही थी और मैं उसी के पीछे पीछे बाहर आई हूँ, और एक गाड़ी की ओर इशारा करती है। वो उस गाड़ी में है। ये वही गाड़ी थी जिसमें उस रात इन्होंने शुभचिंतक को देखा था और इनके सामने से चली गई थी। शिखर उस गाड़ी की तरफ भागता है पर वो गाड़ी चली जाती है। शिखर वापस जाकर अपनी कार स्टार्ट करता है और शीना और वो उस गाड़ी का पीछा करते हैं। गाड़ी जाकर एक सुनसान इलाके के छोटे से घर के सामने रुकती है। शिखर और शीना भी धीरे से थोड़ी दूर पहले ही कार लगा लेते हैं और धीरे धीरे बढ़ते हुए उस घर के करीब जाने लगते हैं। शिखर घर के चारों तरफ छानबीन करता है कि कहीं से कोई रास्ता मिल जाए छुप कर अंदर जाने का। आखिरकार हार मानकर शिखर घर के मुख्य दरवाजे पर जा खड़ा होता है शीना के साथ और घंटी बजाता है। थोड़ी देर तक किसी ने दरवाजा नहीं खोला। शिखर जोर जोर से बार बार घंटी बजाने लगता है। तभी किसी के दरवाजा खोलने की आवाज आने लगती है। शिखर घंटी बजाना बंद करता है और दरवाजा जैसे ही खुलता है शिखर के सामने खड़ा होता है कोई। दोनों ही देखकर हैरान होकर अपनी जगह पर जम जाते हैं। क्या शिखर को उसके सवालों के जवाब मिल जाएंगे या बस वो हमेशा के लिए बस सवाल बनकर रह जाएंगे? क्या चल रहा है अनन्या के दिमाग में शिखर को लेकर? आगे जानने के लिए सुनते रहिए मिलेनियर डिलीवरी बॉय।